पवन सिंह जब तक कुछ बोलते नहीं तब तक बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो दहाड़ते हैं। हाल ही में पवन सिंह का इंटरव्यू आज तक पर जारी हुआ, और आपको बता दें यहाँ पवन सिंह से कई कॉन्ट्रोवर्सियल सवाल पूछे गए, और उन कॉन्ट्रोवर्सियल सवालों का उन्होंने बड़े ही जमकर जवाब दिया। यहाँ पर दो बातें गौर करने वाली हैं। अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में तो पवन सिंह ने ये कह दिया कि वो 5 से 7 महीने अभी यूपी में ही शूटिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद पवन सिंह से दो ऐसे सवाल किए गए जो काफ़ी ज्वलंत हैं। जी हाँ, पहला तो बिहार में क्यों शूटिंग नहीं होती है भोजपुरी फिल्मों की। तो चलिए पहले वाले सवाल पर उनका जवाब जान लेते हैं कि क्यों भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग बिहार में नहीं होती है। तो इस पर बगैर डरे, बगैर किसी लाग लपेट के, शायद ऐसा कोई कलाकार हो जिस तरह से पवन सिंह बड़े दबंगई से जवाब दिए, उस तरह से कोई और कलाकार नहीं दे सकता। आप सुनिए क्या कहा पवन सिंह ने। बिहार में भोजपुरी फिल्मों करने में क्या दिक्कत आ रही है जो आप लोग फिल्मों की ज़्यादातर शूटिंग बॉम्बे में करते हैं? देखिए, शुरू से ये है, हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक तो भोजपुरी में कहावत कहल गिल बना कि घर के मुर्गी दाल बराबर, जो कि नहीं होना चाहिए। आज कितनी खुशी की बात है कि हम लोग बिहार से हैं, यूपी सरकार के सपोर्ट मिल रहा बा। जैसे जौनपुर में हम अभी यहाँ फिलहाल शूट कर रहे हैं आप सबके बीच में, हमारी जनता भी है, यहाँ का प्रशासन व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, मतलब इतना बढ़िया कि मन एकदम प्रसन्न है कि हम लोग सुकून के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि आपने जो सवाल पूछा था बिहार सरकार के बारे में, मैं शायद जवाब अच्छे से दे नहीं पाया, लेकिन मैं बिहार सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि जैसी फैसिलिटी हमको यूपी में मिल रही है महाराज जी के द्वारा, तो हमारे बिहारी कलाकारों के लिए बिहार में भी मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि हम सब कलाकारों को सम्मान मिले, ताकि हम लोग बिहार में भी यूनिट लेके आए, बॉम्बे से या कहीं से भी यूनिट लेके आए, और बिहार में भी हम लोग सुकून से शूट करें। तो आपने उनका ये सवाल का जवाब तो सुन लिया, अब सुनिए अक्षरा सिंह के लिए पवन सिंह ने क्या कहा। जब जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि आपके और अक्षरा सिंह को लेकर विवाद चल रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो सुनिए क्या कहा पवन सिंह ने। आपको और अक्षरा सिंह को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी, कई बार आरोप भी लगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लगने दीजिए, बट मैं बोलूँगा यही, सिर्फ और सिर्फ नो कमेंट्स। देखा, पवन सिंह ने कहा नो कमेंट। आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान जब पवन सिंह से यही सवाल निशांत उज्जवल ने पूछा था, तब भी पवन सिंह ने क्या जवाब दिया था? नो कमेंट। और उन्होंने यहाँ ये कहा था वो अक्षरा सिंह का नाम अपने मुंह पर भी नहीं लेना चाहते, और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने अक्षरा सिंह का नाम अपने मुंह पर नहीं। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि पवन सिंह इस मामले में, यानी कि अक्षरा सिंह चाहे जितना भी विवाद कर ले, उन्हें चाहे जितना भी कुछ बोल ले, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, फिर चाहे जो भी अक्षरा सिंह कर ले। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।